हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपने Redmi Note 3 में लॉलीपॉप बेस्ड ऑन MIUI 8 कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपका मार्शमेलो रहेगा फ़ोन। तो भी मेरा फ़ोन मार्शमेलो है इस समय, जैसे कि मैंने वीडियो बनाया था तो वैसे ही अब मैं उसे लॉलीपॉप कर दूंगा और आपके सामने करूँगा आप कैसे कर सकते हैं अपना फ़ोन। तो चलिए सीख लेते हैं कि लॉलीपॉप और आपको बहुत सारे फीचर्स मार्शमेलो में मी के जो और MIUI 8 के फीचर्स नहीं मिले थे, जो आपको अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आप उसे ले सकते हैं। जैसे आप कैमरे पे क्लिक करते हो तो कैसे आपको मिलता है, और फिर जो भी बहुत सारे फीचर्स है जो नहीं मिले थे अब वो मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ हम सीखेंगे कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपने गूगल क्रोम में, और गूगल क्रोम में जैसे मैंने इस वेब पेज पे आया है तो कैसे आ सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है en.miui.com। जैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं वैसे ही आपको ये इंटरफेस मिल जाएगा MIUI 8 हेयर। यहाँ पे आपको दिखाया होगा MIUI 8 हेयर, वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए तो आप यहाँ पे MIUI के थ्रेड पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जस्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्या क्या, बहुत लोगों को OTS अपडेट मिल चुका है MIUI 8 का। यहाँ पे आपको जिसको नहीं मिला है वो पासबुक मोड से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इतने सारे बग्स को फिक्स कर दिया गया है, कैमरे में ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट प्लीज मी फ्लैश टूल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मी फ्लैश टूल ही इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपको लिखा है प्लीज़ क्लिक हेयर टू डाउनलोड, तो यहाँ पे आप मी फ्लैश टूल भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू फ्लैशिंग ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे आपको मैं तो फ्लैशिंग ट्यूटोरियल बता ही रहा हूँ। यहाँ पे आप Redmi Note 3 के लिए अगर आपको इंस्टॉल करना है यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको Note 3 के लिए है पासवर्ड मोड और रिकवरी मोड, MI Note 4G के लिए मी MI 4i पासवर्ड मोड, जैसे मैं आपको बताऊँगा। रिकवरी जो आप करते हैं, यहाँ पे आपको Redmi Note 3 Qualcomm वर्ज़न के लिए मिल जाता है, और आपका अगर MediaTek का वर्ज़न होगा तो यहाँ पे तो अभी MediaTek के लिए नहीं आया है, यहाँ पे आपको Qualcomm के लिए आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको रिकवरी पे, अगर आपको कस्टम नहीं वैसे इंस्टॉल करना है जो आपको चूज़ पैकेज अपडेट में जाना है, तो मैंने ट्राई किया था शायद नहीं होगा, और रिकवरी मोड थोड़ा वो है। मैं आपको फास्टबूट मोड से बताऊंगा, और रिकवरी मोड में मेरे को ज़्यादा नॉलेज थोड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्टबूट मोड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड होने लग जाएगा, जबकि अभी इस समय मुझे डाउनलोड नहीं करना है कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख दिया अपने डिवाइसेस में शायद। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बस दोस्तों, इसके आगे के वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप MIUI 8 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड लॉलीपॉप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिर ये आने वाले वीडियोस को आप पूरा देखें। तो जय हिंद, वंदे मातरम। जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।